बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है खड़े मसाले का कीमा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें कोई भी मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं होगा सिवाय नमक के, तो मैं आपको वो मसाले बताती हूँ जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। हमने लिया है 700 ग्राम कीमा, तो उस हिसाब से हमने 3 बड़ी प्याजें ली हैं। यहाँ पे मैंने हाफ प्याज लिए भी, हाफ मेरे पास रखी है जो कि मैं बाद में डालूंगी। 2 अदद बिग साइज, बड़े साइज के टोमेटोज हैं जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको जुलियन काट लिया है। 8 से 10 जवे लहसुन के थे जिनको इस तरह से चॉप किया है हमने, इसमें लहसुन जरा ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून दही भी लिया है। मेरे पास 2 तेज पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। साबित धनिया मैंने 1 टीस्पून कूटा है और 1 ही टीस्पून मैंने जीरा उसके साथ कूटा है। 1 टीस्पून साबित जीरा भी लिया है। 6 से 7 साबित मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो हम फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम डालेंगे इसमें 1/2 कप ऑयल। आधी प्याज हम अभी डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन सा करेंगे। प्याज में हल्का हल्का सा रंग आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये साबित गरम मसाला। अब हम डाल देंगे ये 700 ग्राम कीमा। कीमे को हम अच्छा सा भूनेंगे इसमें। अब हम डालते हैं बकिया के मसाले। इसमें हमने ये लहसुन जो चॉप किया था वो डाल देंगे, इसके अलावा अदरक डाल देंगे, साथ हम डालेंगे साबुत मिर्ची, सफेद जीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया। मिक्स कर देंगे इसको। कीमा अच्छा सा मिक्स हो गया है, अब हम डाल देंगे ये टमाटर, साथ ही हम डाल देंगे ये दही भी। अब इन सब चीजों में से जो पानी निकलेगा उसी से ये कीमा अच्छा सा गल जाएगा। कम से कम 30 से 35 मिनट तक हम इसे बंद करके रख देंगे ताकि ये अच्छा सा गल भी जाए और सब चीजें मिक्स हो जाए इसमें। अब हम कर देंगे इसे कवर। चलिए हम देख लेते हैं कीमे को, ये अच्छा सा गल भी गया है और पानी भी इसमें तकरीबन खत्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, आप अपने हिसाब से डालिएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे वो प्याज जो हमने आधी बचा के रखी थी।
ये प्याज के साथ 10 से 12 मिनट तक पकेगा। कीमा तैयार हो चुका है। प्याज डाल के हम इसको इतनी देर तक रखते हैं कि प्याज गल भी जाए और प्याज का कलर भी ब्राउन सा हो जाए और इसमें खुशबू सी आने लगे, सूंधी सूंधी सी ना, तब जाके ये अच्छा होगा। अब ये थोड़ा सा और भुनेगा। सीमे को हमने खूब अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चे 4 से 5 और ये हरा धनिया आधा कप। अच्छा सा भी गया है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मजेदार चटपटा सा खड़े मसाले का कीमा। जरूर बनाइएगा आप और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।